बच्चा, इट्स टाइम टू लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ओके, द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं. सब बच्चा ध्यान दो, स्टॉप कर दो राइटिंग, स्टॉप राइटिंग एंड फोकस ऑन द बोर्ड. ओके, स्टॉप स्टॉप. फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसके बाद मैं एक्शन करूंगा सीधे. एक चीज समझना सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है. मैंने प्लेन मिरर बनाया था, याद करो, आज से 200 साल पहले प्लेन मिरर मिरर बताया था मैंने. समतल दर्पण बताया था ना. ये समतल दर्पण कहाँ देखे हो? घर पे, जो तुम्हारे अब्बू को जहेज में मिला था. ओके चलो, अब क्या है, खरीद के लाए थे. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है. देखो छोड़, बात बात खत्म. एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदु वस्तु है. ओके, अब इससे मैं क्या बोलूंगा कि इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रे की जरूरत पड़ती है. इमेज कब बनता है? जब परावर्तित किरण कटेगा कि आपतित किरण कटना चाहिए? जल्दी बोलो, परावर्तित. परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं. रिफ्लेक्टेड रे जहां कटेंगी उस कटान बिंदु को, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इमेज बोलेंगे. ओके, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या करो, दो कै रे भेजना पड़ेगा, कै रे भेजना पड़ेगा. एक रे को मैं ऐसे भेज रहा हूँ, टुई, बोलो टुई. ये दिख रहा है क्या बाबू उसमें? कोई बात नहीं, मैं यहाँ ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आराम से बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. टुई टुई कर दिया, तो ये है हमारा प्लेन मिरर. ये पीछे जो ये करते हैं डॉट डॉट देते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये नीचे का डॉट डॉट डालते हैं, सिल्वर्ट कर रहे हैं. चांदी का पानी चढ़ा था, अंदर में चांदी का पानी चढ़ा होता है, उसके नीचे कुट चढ़ा होता है, कहते हैं सिल्वर्ट करना, रजतित करना. क्या करना? हाँ, रजतित करना. तो पानी तब तो, नहीं तो अगर शीशा आर पार दिखाई देगा तो मुँह नहीं दिखाई देगा, चेहरा नहीं दिखाई देगा, तो फिर सजोगे सबरोगे कैसे? नहीं समझे? तो सजना सवरना तो सारा बेकार. क्या जी, चलो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट. कै रे चाहिए कि इमेज बनाने के लिए? ऑलवेज रिमेम्बर, हर ये बात को दिमाग में बैठा लो, पल्लू में गांठ बांध के रख लो कि इमेज बनाने के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है. कितने किरणों की? दो से ज्यादा भी लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, जब किरण आरेख बनाते हैं तो किरण आरेख में दो किरण को कम से कम दिखाना पड़ेगा. अब बताओ, एक किरण को लेते हैं सीधे सीधे लंब, लंब ले ऐसे. अगर मिरर पे लंब आया है तो वापस कैसे जाएगा? बताए थे ना, अगर किरण लंब रूप से दर्पण पे पड़ती है तो जिस रास्ते पे आती है उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है. याद है? मैंने पूरा डिटेल से पिछले लेक्चर में पढ़ाया. ओके, तो मैंने कर दिया, नॉर्मली गिरा. अब एक और रे लेना पड़ेगा, अब थर्ड रे ले लो. टुई, बोलो टुई. टुई कर लिया, चलो टुई गया गया. अभी तो कुछ एंगल पे आया, जितने एंगल पे पड़ा है उतने एंगल से बाबा यार, बोलो टुई गया. ओके चलो टुई. ओके, अब बताओ यहाँ पे एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा ना. Yes, जितने एंगल से आया उतने एंगल से जाएगा. yeah, थोड़ा दिखा देना, अच्छा लगता है. अब बताओ ये इसका परावर्तित किरण किधर है? ऊपर. इसका परावर्तित किधर है? आगे कहीं मिलेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बोलो? उसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टर इधर है, इसकी परावर्तित किरण इधर है. दोनों बेचारे कहा दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, तो मिलेंगे कभी नहीं, कभी संगम इनका. बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? नहीं, नहीं होगा. ठीक है, तो इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, संगम तो करवाना है ना. छी छी छी, इतना गंदा फिगर सर. ए बुढ़े सर, कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बनने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. गुड, अब हुआ सही. ओके जी, कहां पे मिलता हुआ मालूम पड़ रहा है? कहां पे मिलता हुआ मालूम पड़ रहा है? नीचे. दर्पण के नीचे. पीछे नहीं, अंदर. दर्पण के अंदर. ओके, हो गया, बुझ रहे हो? दर्पण के पीछे. पीछे क्या दिख रहा है? अच्छुकी ये जो बना है, ये मिरर बना, इमेज जो बना, ये इमेज बना कह के परावर्तित आप परावर्तित किरण यहाँ करता हुआ मालूम पड़ रहा है कि कट रहा है? रियल में करता हुआ मालूम पड़ रहा है. तो यहाँ पर जो इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा? इमेज हो गया. लेकिन कैसा इमेज है? वर्चुअल की रियल? वर्चुअल. इतना क्लियर हो गया वर्चुअल इमेज है? काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब है. ओके, तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल. समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वर्चुअल, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा दर्पण के
अंदर बनेगा, दर्पण क्या है? मैंने बताया था आभासी प्रतिबिंब के गुण है कि उसको पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को मैंने बोला था कि वर्चुअल इमेज को तुम पर्दा पर नहीं उतार सकते, वो हमेशा सीधा होता है, हमेशा आईना में जब तुम देखते हो तो तुम्हारा मुंह ऊपर होता है, पैर नीचे होता है, तब आईना में भी दिखाई देगा तुम्हारा मुंह ऊपर और पैर नीचे, इसको बोलते हैं वो सीधा। वस्तु की तुलना में क्या होगा वो सीधा। मैंने लिखा था ना कि इमेज, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वस्तु की अपेक्षा आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, मैंने पढ़ाया था ना पिछले लेक्चर में, तो सीधा होता है। सीधा होने का मतलब क्या है? सीधा होने का मतलब यही कि पैर पैर नीचे है तो नीचे दिखाई देगा, मुंह ऊपर है तो ऊपर दिखाई देगा, जो जैसे है उसे दिखाई देगा। क्लियर हो गया? माने डायरेक्शन क्लियर हो गया, उल्टा नहीं होगा, वस्तु की तुलना में वो सीधा रहेगा। तो ये देखो अभी मेरा मत करना सर, नीचे दिखाई देगा, मिरर ऐसे बना, ऐसे मिरर बनाएंगे तो बगल बनना होगा। ओके, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा। तो जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो सीधा होगा ही होगा, जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो सीधा ही होगा, सीधा होगा होगा। देखो हम देखो सर फोड़ देंगे, हम बता रहे हैं मेरे हाथ में, ये ध्यान दो, यहाँ मेरे हाथ में एकदम अच्छा सा गोला है, मैंने क्या बोला समझ आया? जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो, तो याद रखा कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, जोर जोर से बोलो, सीधा और आभासी, आभासी और सीधा। चलो बोलो समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बोलो हमेशा आभासी और सीधा होता है। क्या समझाया गया? बहुत ही सीखने, जब आभासी बोलोगे तो सीधा बोलना ही पड़ेगा, वास्तविक बोलोगे तो उल्टा बोलना ही पड़ेगा, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब तो इसमें नहीं बनता है। ओके, लेकिन ये वस्तु जो है तुम्हारा वास्तविक वस्तु है, कैसा वस्तु है? रियल ऑब्जेक्ट है। ओके, तो रियल ऑब्जेक्ट रखते, ये बात बोलना गलत होगा फिजिक्स के नजरिए से कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये बात बोलना गलत होगा। ये बोलोगे कि रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा। लेकिन हम लोग रियल ऑब्जेक्ट की ही बात अंडर टेंथ में करते हैं, रियल ऑब्जेक्ट यानी कि वास्तविक वस्तु का ही बात करते हैं अंडर टेंथ में, हायर क्लास में चला जाता है वो, इसलिए सीधा चलेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा सीधा और आभासी, आभासी और वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला कंडीशन क्लियर हो गया? अब बताओ जितनी दूरी पे वस्तु होगी, बोलो जितनी दूरी पे ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी? मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी। याद रहा एक चीज समझना, सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। मान लो कि दर्पण यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे ए पे कट मिला, ये कहाँ पे मिला? ये बी पे मिला, बी को छोड़ दो, एक एक की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या बताओ? ए। अब मान लो कि OA है तुम्हारा, OA को क्या बोलोगे? OA को मैं लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है जी बाबू, OA को मैं बोल रहा हूँ, OA को बोल रहा हूँ वस्तु की दूरी, क्या बोल रहा हूँ? वस्तु की दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कौन डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी, कौन दूरी? इसको सिंबल में यू से लिखा जाता है, कुछ से लिखा जाता है बाबू? यू से, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है ना, यू से लिखा जाता है। अभी समझो मैं पूरे चैप्टर का निचोड़ पढ़ा रहा हूँ, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, एक जरा भी ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, पूरा ध्यान बोर्ड पे करो, पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। वस्तु की दूरी को यू से लिखा जाता है, वस्तु कहाँ पर ऊपर है? दर्पण से वस्तु की दूरी को हमने यू लिखा, सिंबल है पूरे इस चैप्टर में, लाइट चैप्टर में हम लोग यू जहां भी लिखा रहेगा, यू जहां लिखा रहेगा, यू जहां लिखा रहेगा, ध्यान दो यहाँ पे, यू जहां लिखा रहेगा उसको बोलेंगे वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कौन डिस्टेंस बोलो? हिंदी में क्या बोलोगे? बीम की दूरी, की दूरी। क्या समझा रहा है? yes, sir. और एक लाइन दिखाई देगा? okay, yes, sir. अब उसका ओ भी हो गया, ये ओ आई, ए आई, ए आई बोलो, ए आई, ए आई क्या बताओ? इमेज डिस्टेंस, क्या बोलोगे? नहीं सुनाई दे रहा है मुझे? हाँ आप सुनाई दिया, ठीक है, ए आई इसको बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी। क्या दिख रही है उसमें? ओके कोई बात नहीं, अब दिख रहा है? हाँ, प्रतिबिंब की दूरी, चलो हिंदी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी, अब दिख रहा है बाबू? yes, प्रतिबिंब की दूरी, चलो हिंदी लिख दिया, ऐसा इमेज डिस्टेंस दिख रहा है क्या? yes, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए पॉइंट स्टार देकर लिखने वाला पॉइंट सब है, कुछ देखकर लिखने वाला पॉइंट है, फिगर के बगल में सब नीचे उतारूंगा, मैं समझा रहा हूँ कैसे उतारूंगा, आराम से समझो। हाँ कोई बात नहीं है, तो वस्तु की दूरी को OL बोला, उसको सिंबल में क्या लिखा? U। अब प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे आई है, उसको सिंबल में क्या लिखा? E। तो पूरे लाइट चैप्टर में जहां भी तुमको U मिल जाए, U क्या है जोर से बोलो? वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या है? कहां से मेजर किया? दर्पण से मेजर किया गया, मेजर डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? क्या समझ में आ गया बात? अब ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यू बराबर क्या होती है, ये डब्बा में याद रखना, यू बराबर भी, ठीक है। अब सुनो ओ से लेकर जो वस्तु की कुछ ना कुछ हाइट होगी ना, वस्तु की कुछ कुछ, अरे हम अपना मिरर में इमेज देखेंगे, आईना ले लिया,
ऐसे कर रहे हैं, बाल झाड़ रहे हैं, बुरा झाड़ रहे हैं, क्रीम व्रीम लगा रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसा होगा कि हम जितने बड़े हैं उतने बड़े दिखाई देगा उसमें? ऐसा नहीं होगा हम इतने बड़े हमको दिखाई देगा तू सा? ऐसा होगा? हिम्मत बोलना सर, जब दूर जाते हैं तो पूरा दिखाई देता है, नजदीक आता है तू सा दिखाई देता है यार, तुम्हारा जितना हिस्सा होता है ना दिखाई देगा उसमें ना? ओके, वो लाइट पर डिपेंड करता है, लेकिन हाइट जितना वस्तु का होता है उतना ही हाइट इमेज का भी होता है। उसको रोको नहीं तो हम सर फोड़ देंगे, बता रहे हैं हम, फिर कोई केस नहीं होगा तुम पर, बता रहे हैं मुझ पर। हाँ, मैंने क्या बोला समझ आया? मैं बोल रहा हूँ कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? ये वस्तु है, ये क्या है? यहाँ पे आईना रखा हुआ है बीच में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आईना रखा हुआ है, इसका जो इमेज बनेगा जितना हाइट का ये है ना उतना हाइट का ये, ऐसा कभी नहीं कि ये इतना बड़ा, ये मान लो 2 मीटर लंबा है या ये हो जाएगा 1 मीटर लंबा, ऐसा नहीं होगा। ओके, लेकिन ये लाइट पर डिपेंड करता है, लेकिन जितनी हाइट वस्तु की होगी उतनी हाइट इमेज की भी होगी। अभी मत बोला सर, दूर जाते तो पूरा दिखाई देता है, नजदीक आ जाता है तू सा दिखाई देता यार, हाइट जितना तुम्हारा पार्ट है उतना जितना वस्तु का उसमें दिखाई देगा वो पूरा बराबर बराबर दिखाई देगा, ठीक है। वो लाइट पर डिपेंड करता है कितना लाइट तुम उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, चलो याद ना। लेकिन वस्तु मैंने लिखा दर्पण से बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होती है? बहुत ईजी है कि नहीं है? फिर कोई लिख रहा है, हम बता रहे हैं हम सुसाइड कर लेंगे, फिर तुम लोग फंसोगे, बता रहे हैं लिख रहा है। दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? ये है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की बात। दूसरा दर्पण में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन इस दर्पण में हमेशा याद रखना, जितनी दूरी पे वस्तु रखी जाएगी उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी। जैसे मान लो ये तुम्हारा मिरर है, मान लो थोड़ा देर सोचो, ठीक है, इमेज रखा हुआ इस दर्पण से रखा हुआ 1 मीटर दूरी पे, कितना मीटर दूरी पे रखा हुआ? तो इमेज पीछे जो बनेगा, पीछे बनाओ, उठाओ उठाओ या 1 मीटर दूरी, उतनी ही दूरी पे बनेगा 1 मीटर दूरी पे। जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी, जितना हाइट इसका होगा उतना हाइट होगा। क्या बहुत बड़ी बात बोल दिया? इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है? आसान है कि नहीं है? इन दोनों को देख करके मुझे गाली निकल रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस। ओके, माने वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बिंब, मतलब वस्तु बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर। बहुत आसान है कि नहीं है? दूसरा बात की बिंब का साइज, माने बिंब का हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज के। कोई डाउट इसमें? तीन बात क्लियर हो गया। अब सब बच्चा सुनना, सब बच्चा का ध्यान होना चाहिए, सुनना सुनना। देखो प्लस वन एम क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, मैं आवर्धन अभी एडवांस में पढ़ा रहा हूँ। दो ये लड़की पलट रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे बता रहे हैं। प्लस एम को कहते हैं अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन, हिंदी बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैं लिख रहा हूँ आवर्धन क्या होता है। एम होता है एच आई बट्टा एच ओ, क्या होता है बताओ? एच आई बट्टा H-O. मैं इसको एस टू बोल रहा हूँ, एस टू, इसको बोल रहा हूँ एच वन। एस टू हो गया प्रतिबिंब की साइज, किसकी साइज? जोर से बोलो, प्रतिबिंब की साइज मैंने हाइट, और ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया बीम की साइज। बीम की साइज मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये आगे मिलेगा सिंबल, जो सिंबल मैं लिख रहा हूँ एनसीईआरटी में तुम्हारा स्टैंडर्ड सिंबल है, उसे चाहे बाय एचओ भी लिख सकते हो हम। तो ये फॉर्मूला आगे पढ़ाएंगे हम लोग, तुम लोग को आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को बोलते हैं आवर्धन, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? अब बताओ H2 और H1 का, दोनों का साइज तो यहाँ पे बड़ा बड़े हैं, ये H1 हो गया, ये क्या हो गया, और ये इमेज का हाइट क्या हुआ? H2। तो यहाँ पे क्या पढ़े, अभी क्या पढ़े कि H1 बराबर H2 भी तो होता है, दूरी भी बराबर होती है और हाइट भी बराबर, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर, और प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई क्या बराबर, इमेज हाइट भी बराबर, डिस्टेंस भी बराबर। तो फॉर्मूला क्या है कि आवर्धन कहते हैं कि कितना गुना बड़ा है तुम्हारा इमेज, तो इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट तो दोनों सेम है, तो दोनों को रखोगे H2 बराबर H1 रखोगे, वैल्यू काटोगे कितना आंसर आ जाएगा? 1 ही आएगा यार। यार एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हाइट 2 मीटर है, कितना मीटर है, और इमेज का भी हाइट कितना होगा, दोनों को भाग करो कितना आंसर आएगा? 1। क्लियर हो गया? सब बच्चा सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि M का मतलब होता है आवर्धन, M क्या होता है? आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये डिफाइन किया जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोनों का हाइट तो सेम ही है, जब हाइट से मैं दोनों को काटोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। तो याद रखना कि हमेशा समतल दर्पण में आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन का मान कितना होता है? 1। और लेकिन प्लस 1 बोलना पड़ेगा आपको। सर प्लस का है, सर प्लस बाद में बताएंगे, अभी बता देता हूं थोड़ा शॉर्टकट में। प्लस मतलब आभासी प्रतिबिंब, प्लस मतलब कभी भी मैं लिख दूंगा एम का मान -2, ऐसे लिख दूंगा, -2 लिख दिया मतलब समझे। अब माइनस का मतलब हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब, नेगेटिव मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, और पॉजिटिव होता है
वर्चुअल इमेज, क्या समझ रहा है? तो इस साइन का यहाँ पे फिजिक्स में बहुत बड़ा अर्थ है, ठीक है, इसको तुम नकार नहीं सकते हो। बगैर सर मैथ, सर मैथ में प्लस वन लिखे, यार वन लिखे क्या बात है, ना 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 यहाँ पे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे प्लस और माइनस का अर्थ है, ठीक है। प्लस का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब और माइनस का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। प्लस का मतलब होता है वर्चुअल इमेज, माइनस का मतलब होता है रियल इमेज, क्या समझा रहा है? और वन का मतलब हुआ कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, इमेज का साइज या प्रतिबिंब का साइज, सॉरी प्रतिबिंब का साइज या वस्तु का साइज बराबर है, वन आया इसलिए, वन इसलिए आया क्योंकि कट के एक आएगा तभी तो जब दोनों बराबर होगा। तो याद ना कि समतल दर्पण में जो आवर्धन का मान आता है वो प्लस एक आता है कि माइनस एक आता है, जल्दी बताओ, हमेशा प्लस एक, क्या याद रहेगा? मैंने लिखा यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान प्लस एक होता है। आपको पूछेगा एग्जाम में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का प्लस वन आवर्धन है, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? तो बोलोगे प्लस का मतलब हुआ आभासी प्रतिबिंब, है ना, और वन का मतलब हुआ कि उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि समतल दर्पण का आवर्धन प्लस वन होता है, इसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? तो बोलोगे कि प्लस वन का मतलब हुआ कि प्लस का मतलब हुआ कि आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा समतल दर्पण में, और वन का मतलब हुआ कि उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर। क्या समझ में आया? अरे सब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे नया टर्म मिला तुमको आवर्धन। मैं इस बहुत सारे टीचर इसको आवर्धन को आगे टॉपिक में पढ़ाते हैं क्योंकि आगे आने वाला है, लेकिन मैं यहीं पे चर्चा कर दिया हूँ, इसको फिर डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन आवर्धन समझाया, आवर्धन मतलब होता है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, रेशियो को, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो कहते हैं हम लोग आवर्धन, मैग्निफिकेशन। क्या समझाया? मैग्निफिकेशन प्लस वन है मतलब क्या हुआ, प्लस मतलब आभासी प्रतिबिंब, अब वन का मतलब कि दोनों को बराबर रहा होगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इसलिए तो कट कट के बना गया कि रेशियो में लेना है, रेशियो में। क्या समझ आ गया सब बच्चों को? दिल से बोलो, एक बार जोर जोर से चिल्ला के बोलो, चलो बोलो कि समतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज बराबर होता है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, और आवर्धन का मान कितना होता है? यस यस यस, प्लस वन होता है, प्लस का अर्थ है। फिर ये बोले मैथ के नजरिए से मत देखो उसको, प्लस वन होता है, ठीक है। कोई पूछेगा कि आवर्धन समतल दर्पण का आवर्धन प्लस वन होता है, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? बोलोगे प्लस का मतलब आभासी बनता है हमेशा, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, और वन का मतलब कि उसकी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर। क्या समझ आ रहा है? दिमाग में गया? घुसा? बैठा? गुड, अब हुआ बात, ये जोश आना चाहिए। अब एक लास्ट बात है जो टॉपिक खत्म करेंगे। मैंने इसको स्टार देकर अलग से लिख लूंगा, इसको क्या करोगे, स्टार देकर अलग से लिखो, एंड तुमको एग्जाम में अगर पूछेगा समतल दर्पण की विशेषता बताओ तो चार पॉइंट लिखोगे। अभी चौथा पॉइंट अभी तक मैंने नहीं समझाया, नहीं समझाया ना, मैं अभी समझाता हूँ। पहले इसको क्या करो कि स्टार, पहले क्या करो, या एक से लेकर चार तक लिख लोगे, उसका हैशटैग देकर ये पॉइंट लिख दोगे, लिख दोगे, लिख दोगे, ये अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, ये फिगर बनाना चाहोगे तो बना लोगे, अच्छा रहेगा, ओके। और ये बात सब लिख लोगे। यू क्या बताओ, यू क्या, यू यू मतलब भी क्या है, हो गया। मैं इसको डिटेल से अलग से लिख देता हूँ, तुम लोग अभी इसको मैं डिटेल से, मैं इसको मिटा रहा हूँ कि गैदरिंग ना हो जाए, ठीक है, क्या ना हो जाए, फिर से फिगर मैं बनाऊंगा, अच्छा से बढ़िया से फिगर बनाऊंगा, पहले तुम लोग इसको सही कर लो, मैं मिटा रहा हूँ इसको, चलो लिख लो इसको, ये एम को भी लिख दूंगा बाद में, चलो पहले सबको लिख लो, चलो लिख लियो, नहीं सब ये पॉइंट है सर, नोट कर लियो, चलो इसको थोड़ा वीडियो पॉज करो, चलो चलो आवाज बंद करो, बड़े सब बच्चा ध्यान सुनो, कुछ नया नया टर्म सब आया, मैंने जो समझाया अभी, एओ क्या है, ए से वस्तु की दूरी ना, ओ क्या है, वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या बताओ, ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आई क्या है बताओ, प्रतिबिंब यानी इमेज, हिंदी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एओ हो गया वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको यू से लिखा जाता है, सिंबल है, पूरे लाइट चैप्टर में इस बात को दिमाग में बैठा लो कि यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, वस्तु की दूरी हो गया, वस्तु की दूरी हमेशा दर्पण से इधर करेंगे, क्या समझ आ गया? और भी क्या होता है बताओ, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अब याद ना कि यू और भी आपस में बराबर होता है किसके लिए, समतल दर्पण में, समतल दर्पण के लिए यू और भी क्या होती है, याद रखना बात को, यू और भी बराबर होती है, प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी क्या होती है, याद रखना बात को, मैंने पहले पॉइंट में पढ़ा दिया। दूसरा पॉइंट, उसके बाद मैंने बताया तुमको, सब बच्चों का ध्यान ही होना चाहिए, एस टू आवर्धन क्या, एच वन क्या होता है, प्रतिबिंब का साइज, ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एस टू क्या होता है, प्रतिबिंब का साइज यानी कि इमेज ऑफ हाइट, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको बोलते हैं आवर्धन, क्या बोलते हैं,
अब चूंकि एस टू और एच वन दोनों का हाइट बराबर होता, मैंने पढ़ाया अभी एस टू का मान एच वन के बराबर होगा, दोनों का वैल्यू हाइट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों क्या होती है, सेम होती है, तो दोनों को भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा वन, इसलिए एम का वैल्यू कितना आ गया प्लस वन। अब प्लस इसलिए लिखा गया क्योंकि यह इमेज कैसा बनता है, आभासी बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, इसलिए प्लस वन लिखा गया। क्या समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर हो गया? फिगर बना चुके पूरा? ये फिगर जरूर बनाना है, तुमको एक्सप्लेनेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि समतल द्रव्यमान प्रतिबिंब कितना होता है, बोलो प्लस वन माइनस वन नहीं बोलोगे, खाली वन से बोलने से काम चलेगा, प्लस वन बोलना पड़ेगा। प्लस का मतलब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, और वन का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई क्या है बराबर है, वन का मतलब ये हुआ। मान लो कहीं पर टू आ गया, एम का वैल्यू माइनस टू आ गया, कितना आ गया? अब बताओ माइनस का मतलब तो हो गया, माइनस का मतलब तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और एस टू बाई एच वन फॉर्मूला होता है ना, एस टू बाई एच वन क्या हो गया? अब बताओ ये टू कहा आया होगा, एक से बड़ा ना वैल्यू है, ये टू क्यों आया होगा? क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा होगा तब तो टू आया होगा, अरे ऊपर वाला बड़ा रहेगा तब तो बड़ा आया होगा टू, ये मान लो आठ, ये चार दो आया होगा, तो ये ऊपर वाला बड़ा रहना जरूरी नहीं रहे। तो जब भी एम का मान एक से बड़ा हो समझ जाओ कि प्रतिबिंब बड़ा है, अब वस्तु छोटा है, ठीक है, और कभी भी एक से कम हो तो प्रतिबिंब छोटा है अब वस्तु बड़ा, और एक हो पक्का पक्की तो बराबर। क्या समझा गया? ये खास बात है, लेकिन समतल द्रव्यमान हमेशा एक आएगा, ओके प्लस वन, लेकिन दूसरा हम लोग दर्पण बढ़ेंगे यानी कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें बात करेंगे वहां पे, लेकिन याद रखना कि एम क्या होता है, एम को क्या बोलते हैं हिंदी में, एम को क्या बोलते हैं, मैंने अभी तुमको पढ़ा दिया। एक लास्ट बात खाली मुझे बताना पड़ेगा, जो मैंने बोला पार्श्विक रूप से उल्टा होता है उसको समझना पड़ेगा, मिटा दो उसको, इसको मत लिखना, ये सब पूरा नोट कर लो, एकदम एक लाइन से ऐसे याद तक नोट कर लिया, नोट कर लिया है, चलो इसको मिटा रहा हूं, चलो थोड़ा ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूं सबको, सारी बातें मैं पूछूंगा, यू भी सब पूछूंगा, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है पार्श्विक उत्क्रमण, क्या टर्म है बताओ, पार्श्विक उत्क्रमण, क्या नाम है बताओ, अब ये मैं उल्टी समझा देता हूं, पार्श्विक उत्क्रमण क्या बोलते इसको, मैंने एक टर्म लिखा था तुम लोग को लिए, पार्श्विक ये सही लिखा है गलत लिखा मुझे नहीं पता, उत्क्रमण जो भी है, लेटरल इन्वर्जन अंग्रेजी में क्या बोलते इसको, इसको लिखना नहीं है सिर्फ समझ लो, ओके तुम लोग कभी देखे हो जैसे ये मिरर है तुम्हारे पास, क्या है तुम जब पी लिखा रहेगा ऐसे ना, पी ऐसे लिखा रहे तो मिरर में तुमको ऐसे दिखा देगा, क्या हो गया 180 से ये पी ऐसे था, ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, गड़गड़ रहे हो, देखो ये हम मिरर के सामने खड़े हुए हैं, शाहरुख खान के तरह हाथ फैला रहे हैं सर, क्या ऐसे ये हो ही नहीं रहा, ये नहीं हो रहा है, ऐसे हाथ फैला रहे, ये मिरर है मालिक, मिरर है, हम शाहरुख खान की तरह ऐसे हाथ फैला रहे हैं, वाह ऐसे करके फैला रहे हैं, ठीक है, सबको बाहों में लेना चाहता है ऐसे करके। अब बताओ मेरा ये राइट है, ये क्या है लेफ्ट है, देखिए इमेज में क्या होगा, इमेज में तो हम ऐसे रहेंगे, ऐसे दिखाई देंगे, राइट इधर चला जाएगा और लेफ्ट, अभी राइट किधर है, इधर, लेफ्ट किधर है, इमेज में हम कैसे दिखाई देंगे ऐसे, तो मेरा राइट इधर चला जाएगा, लेफ्ट उल्टा हो गया, हो गया राइट लेफ्ट बन गया, लेफ्ट माने जो साइड है, साइड लेफ्ट से राइट, आप कभी नहीं देखते हो, तुमको दाया कान बाया कान दिखाई देगा, बाया कान देखो ना, देखो कभी कभी तुम्हारा मुंह टेढ़ा लगेगा कि टेढ़ा है, इधर से टेढ़ा है मेरा रियल में, लेकिन दिखाई देगा इधर टेढ़ा, उल्टा हो जाएगा होता है, अरे देखेगा ना, देखे हो तो राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट हो जाता है, लेफ्ट पार्ट 180 डिग्री से घूम जाता है, ओके साइड वाइज मुंह उल्टा नहीं हो जाता है, साइड उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं पार्श्विक उत्क्रमण। देखो पी कैसा दिखाई देगा, पी ऐसा दिखाई देगा, क्यों को दिखाई देगा, स्मॉल क्यों के जैसा, समझ रहे हो, देखो कभी, फिर जैसे मान लो तुम एक बताओ एन को कैसे दिखोगे, एन को बताओ एन कैसा दिखाई देगा, ये ऐसे एन ना एन पलटेगा कि एन को पलट दो, रुको ना रुको ना ऐसे ना रुको, नहीं बोलो ना, नहीं बोलो ना, नहीं बोलो ना, बोलो ऐसा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ऐसा हो जाएगा, करके देखना ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अरे ये ऐसे मार्कर को ऐसे रखेंगे ना तो मार्कर ऐसे दिखाई देगा, मार्कर को ऐसे रखेंगे तो ये डंडा ऐसा ना बीच में तो ऐसे दिखाई देगा, ये किलो क्या एन भी उल्टा हो, किलो हुआ एन भी उल्टा हो जाता है, ठीक है, अच्छा बताओ आर है ना, ये आर है ना, से आर कैसे दिखाई देगा, अब बताओ समझ आ गया ना, 180 डिग्री से उल्टा हो जाता है, अब इसे एम्बुलेंस एम्बुलेंस लिखो, एम्बुलेंस हो ए एम बी यू एल ए, दिख रहा नीचे बाबू, दिख रहा है ए ए तो ए रहेगा बराबर बराबर, ए ए एम एम में रहेगा, एम एम में रहेगा, बी बी उल्टा हो जाएगा, बी ऐसे हो जाएगा, ए बट बुढ़े सर, चलो यू तो चेंज नहीं होगा, एल ऐसे हो जाएगा, और ए तो रहेगा, एन के बारे में अभी बताया मैंने, ऐसे हो जाएगा, सी ऐसे हो जाएगा, ई ऐसे हो जाएगा, क्या हो गया ना हो गया, तो अब अगर इसको उल्टे लिखे पहले से तो इसी तरह दिखाई देगा,
इसलिए तो देखते हो ना एम्बुलेंस उल्टा करके लिखा रहता है, कभी एम्बुलेंस की गाड़ी आती है तो एम्बुलेंस क्या होता है उल्टा लिखा होता है। हम लोग कहते हैं बाप रे तो पढ़ा लिखा आदमी है उल्टा लिख दिया, बड़ा जाहिल आदमी सब है, सरकारी आदमी बहुत मानी बड़ा जाहिल से बैठा हुआ रहता है। नहीं ऐसा नहीं, रीजन उसका कि अगर कोई आदमी मिरर में देखेगा जो गाड़ी चला रहा आगे मिरर में, एक तो आवाज भी लगा रहता है, आवाज से भी पहचान जाता है, लेकिन कितना आदमी को नहीं पता चलता, मान लो जो बहरा आदमी है तो मिरर में देखेगा तो मिरर में देखेगा तो वो एम्बुलेंस उसको सीधा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा क्योंकि उल्टा लिखा रहता है तो सीधा दिखाई देगा, तो आराम से फिर कॉल तो उसको जगह देगा जलेली निकलेगा, है ना। तो किसी की जान बचाई जा सकती है क्योंकि जान की अहमियत है। क्या समझा गया बच्चा, ये समझा बात को, इसी को बोलते पार्श्विक रूप से उल्टा हो गया, राइट पार्ट लेफ्ट बन गया, लेफ्ट पार्ट किलो गया, इसको बोलते पार्श्विक उत्क्रमण लैटरल इन्वर्जन। क्या किलो हो गया अच्छा से, तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से क्या होता है उल्टा होता है, लैटरली क्या हो जाता है इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या समझाया, साइड वाइज उल्टा हो जाता है। जैसे मेरा हाथ ऐसा आईना में रख देखे ना आईना में, तो मेरा आईना में कैसे दिखा देगा ऐसा, ठीक है ऐसे है ना, ऐसे दिखा देगा। क्या समझा रहा है, राइट लेफ्ट बन जाएगा लेफ्ट, क्या ऐसा ना ये मेरा हाथ है आईना यहाँ पर सामने, जैसे मैं ऐसा तो मेरा आईना में कैसे दिखा देगा ऐसा, ऐसा ना देखो देखो तो तुम आईना की तरफ से सोचो ना, आईना की तरफ से सोचो ना। क्या समझ आ गया, क्या बताया अच्छा समझ आ गया कि ना, अच्छा सा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक था। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, 180 डिग्री से क्या हो जाता है एग्जाम में, तो जीके में आता है, जीके जिस जैस में आता है कि बताओ कौन कौन सा लेटर है जो चेंज नहीं होता है, जैसे ए चेंज नहीं हुआ, एम चेंज नहीं हो गया, ओके क्या अच्छा बताओ एस चेंज होगा, एस चेंज होगा होगा ही होगा, ऐसे उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, एस चेंज होगा ही होगा, टी टी चेंज होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, टी चेंज नहीं होगा, कब करो तो उल्टा लो ना, लो ना उल्टा करो लो, अच्छा ये बताओ ओ चेंज होगा, ओ नहीं होगा, अच्छा बताओ और कोई बताओ ना, कोई क्यू क्यू तो चेंज हो जाएगा, क्यू ऐसे ना थोड़ा सा जाएगा, क्यू को बोलो क्यू भी चेंज होगा, और बोलो भी नहीं होगा, डब्लू 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 भी नहीं होगा, जो सिमेट्रिकल फिगर है ना वो उल्टा नहीं, उल्टा होने उल्टा तो होता है लेकिन पता नहीं चलता है, उल्टा ही नहीं होता माने वो इन्वर्ट नहीं होता है। क्या समझ आ गया, क्या सबको समझ आ गया, एफ भी उल्टा हो जाएगा, एफ एफ सब हो जाएगा, देख लेना तुम अपना जो जो करके तुम देख लेना, कोई डाउट किसी को, तो देखो याद ना पहली बात, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है, और बराबर प्रतिबिंब की दूरी है वस्तु की दूरी बराबर होती है, प्रतिबिंब ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई क्या होती है बराबर होती है, आप पार्श्विक रूप से क्या होती है उल्टी होती है, आवर्धन का मान कितना होता है प्लस वन होता है, ठीक हो गया। भी क्या होता है, भी क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या होता है वस्तु की दूरी, एच वन क्या होता है एच वन वस्तु की ऊंचाई, एच टू क्या होती है, क्या समझा गया, एम क्या होता है आवर्धन, एम बराबर एच टू बाय एच वन, क्या हो गया समझे। तो सारी बातें को डिटेल से, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुआ है, टाइम दिए हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुआ, ओके रहने दो आज के लिए, चलो ओके दैट्स ऑल, बैठो पॉज करो।